आज हम पहुंचे हैं खालसा कॉलेज के बीएड कॉलेज में, जहां पर तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये देखिए हमारे साथ हैं खालसा कॉलेज बीएड की टीचर्स, जो तीज का त्यौहार मना रही हैं और ये ढोल की और बोलियां डाल रही हैं। प्रिंसिपल भी इनके साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। जहाँ आज अपना सभ्याचार लोग भूलते जा रहे हैं, पंजाबी कल्चर को भूल गए हैं, इन्होंने कोशिश की है कि कल्चर को रिवाइव किया जाए। हमारे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं, उनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। मैडम तुम्हारा नाम जी? मैं डॉक्टर हरप्रीत। अज तुसी तीज मना रहे हो? असी तीज मना रहे हैं जी। बड़ा करोना दे करके बड़ा पैसिव जिहा एटमोसफेयर होया सीगा, तो असी सोचा कि पॉज बटन नहीं दबाना, रीसैट बटन दबाना वा। तो कहें ना कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो जे इस तरह का माहौल है तो चंगे दिन भी आ ही जाने हैं। तो असी एक पॉजिटिविटी जी लिया वास्ते असी अज का सब। एक पास जिमें देखा जाए कि पंजाब का कल्चर तीज त्यौहार ये दूर हों जा रहा है, तुम्हें की लगता है बारे? दूर हुंदा जा रहा सी, पिछले कुछ वरियां दे विच तां बिल्कुल अलोप ही हो चलिया सी, लेकिन असी हुण जिहड़ा वा कुछ सालां तो इनू रिवाइव करन दी कोशिश करदे पए हां। असी हर साल तीज दा त्यौहार मनाउंदे आ अपने कॉलेज दे विच। हमारे ये देखिए मैडम, मैं ये ढोलकी बजा रही हैं। मैडम तुहाडा नाम जी? डॉक्टर इंदू सुधीर। केड़े डिपार्टमेंट चो डॉक्टर? फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट चो। ते ढोलकी बचपन तो बजाउण दा शौक है? नहीं नहीं, ए ते कुछ साल बाद जदों वड्डे होए शौक जाग्या। कई सीखना चाहिए, इंटरेस्टिंग काम है। तुसी नवी जनरेशन नु की मैसेज देना चाहते हो? इंजॉय करो ते सेफ रहो, स्टे आजकल दे माहौल दे अकॉर्डिंग अपने आप नु आप ही सेफ रखना जरूरी है। साना कॉलेज दे वाइस प्रिंसिपल भी हैं। मैडम तुहाडा नाम? निर्मलजीत कौर संधू जी। डॉक्टर साहब एक पास जो देखा जी सारे सभ्याचार साढ़े पंजाब दे अलोप होंदे जा रहे हैं, तो तुहाडा की कहना दे बारे? मेरा ख्याल है कि जी ये अलोप हो रहा सभ्याचार जिहड़ा है इनू रिवाइव करन दी बहुत जरूरत है, क्योंकि कोई भी कौम जिहड़ी आ अपने सभ्याचार करके ही पछाणी जांदी दुनिया च। तो बहुत जरूरी है कि असी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी आ उहनू अपने सभ्याचार नाल जोड़ीए। तो मैडम हरप्रीत कौर साडे वाइस प्रिंसीपल, उन्हां दा बहुत वधिया उपराला है कि ये असी जिहड़े आ रिवाइव करन दी कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी जिहड़ी आ उहनू अपनियां जड़ां दे नाल जोड़ीए। ये थे कॉलेज की टीचर्स, ये बाकी टीचर्स भी हैं जो जो ये त्यौहार मना रही हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने किस तरह ये त्यौहार मनाया। Ah।
हमारे साथ हैं खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की अध्यापिकाएं, टीचर्स, प्रिंसिपल भी हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हैं और जो टीचर्स वो भी हैं। इन्होंने आज तीज के त्यौहार पर खूब मनाया, इनका जैसे बचपन लौट आया है। हम इनसे बात करेंगे ये समाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं। नमस्कार जी, तुसी मैडम क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले अपना नाम फिर मैसेज। मैं डॉक्टर हरप्रीत, प्रिंसिपल खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जीटी रोड, अमृतसर। मेरा यही मैसेज है कि अपनिया जड़िया बेटियां ने उन्होंने जरूर पढ़ाओ। बेटियां दे नाल ही रौनक है ते बेटियां दे नाल ही तियां दा त्यौहार है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम निर्मलजीत कौर संधू है, वाइस प्रिंसिपल खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अमृतसर, जीटी रोड। मेरा समाज नू यही संदेश है कि पानी की संभाल बहुत जरूरी आ। जिवें गुरबाणी का भी फरमान है, पहला जियो पानी है, जित हरिया सब कोए, सो सेव वाटर सेव अर्थ। थैंक यू। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं गुरजीत कौर बोल रही हूँ। मेरा समाज में यही संदेश है कि जिस तरह असी अंधविश्वास अज्ञानता के हनेरे अजे भी फसे हुए हैं, सिक्ख्या के पसार के बावजूद भी असी समाज में कोई सेध नहीं दे रहे। सो सबनों यही मेरी बेनती है कि सिक्ख्या के असली मूल में पहचानो और अपने आप को अज्ञानता के अनेरे चो बाहर कढ़ो। धन्यवाद। सत श्री अकाल, मेरा नाम बिंदू शर्मा है ते मेरा यही मैसेज है कि असी हमेशा लिटरेसी की गल करते हैं जदों, तो हमेशा साडा फोकस हो रहे थे हुंदे जिहड़े समाज के विच असी बहुत सारी कम्यूनिटीज़ है जिन्हां ते असी फोकस कर सकते हैं, लेकिन ट्राइबल ते लेबर कम्यूनिटी जिहड़ी हैगी वो बिल्कुल इग्नोर्ड सैक्शनज ऑफ द सोसाइटी हैगे है। तो जे असी कोशिश करिए तो असी इन्हां नूं भी अगे लिया सकते हैं, क्योंकि इन्हां नूं ऑपरचुनिटीज़ नहीं मिल रही, इन्हां नूं पूरा जिहड़ा गवर्नमेंट हैगी उन्हां दी पॉलिसीज़ उत्थों तक नहीं पहुँच रही। एक चीज़ मैं होर कहना चाहवांगी कि थोड़ा जहाँ कॉन्ट्रीब्यूट असी कर सकते हैं इन चीज़ों से, तो सानू करना चाहिए है। माना कि इस धरा को गुलजार ना कर सके, कुछ खार ही कम कर गए निकले जिधर से हम, तो प्लीज़ डू कॉन्ट्रीब्यूट इन द एजुकेशन ऑफ लेबर एंड ट्राइबल कम्यूनिटी। डॉक्टर मनिंदर कौर, साड़ी माँ बोली साड़ी सांझ का प्रतीक है, साड़ा मान है। सो मेरी सब नू बेनती है कि अपनी माँ बोली की इज्जत करो और अपनी कल्चर की सांभ संभाल करो। धन्यवाद। सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं डॉक्टर दीपिका। मैं बस यही मैसेज देना है कि कुड़ियां होन या मुंडे होन, सारिआं नूं चंगे संस्कार दिते जान, ते सब नूं जरूरी वड्डिआं दा सत्कार बहुत जरूरी है, वह कुड़ियां मुंडिआं दोनों नूं सिखाया जाए। थैंक यू। सत श्री अकाल, मेरा नाम डॉक्टर सतिंदर ढिल्लों। मैं यही मैसेज देना चाहुंदी हाँ कि साडे समाज दे विच बहुत सारियां बुराइयां ने, पर सानू उन्हां बुराइयां दे नाल अपने आप नूं इस जिहड़े समाज दे विच विचरना है, और जिहड़ा स्ट्रैस है सारे पासे दुख हैगे ने उन्हां दे विच उभरदे होए सानू हमेशा जिहड़ी है खुशी वाला माहौल बना के रखना चाहिए। जिवें कि अज्ज वी असीं देख रहे हैं कि तियां दा त्यौहार है, सारे अपने गम दुख सुख जिहड़े भुल के इत्थे इस प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे होए ने ते हस गा रहे ने, खुशियां मना रहे ने। सो मेरा यही मैसेज है वी हसदे रहो, हसांदे रहो, खुशियां मनाउंदे रहो। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम पारू लगरवाल है। मेरा तुहानू सबनू यही संदेश है कि तियां नू कुखां च नहीं मारना चाहिए, भ्रूण हत्या बंद करो। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है डॉक्टर रमनप्रीत कौर। मेरा सबनू यही मैसेज है कि चाहे असी जिन्नियां मर्जी उच्चियां डिग्रियां प्राप्त कर लिए, पर सानू अपने विरसे तो अपने कल्चर तो कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। मैं अमनदीप कौर हाँ, तो मेरा संदेश यही है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, साड़ी दुनिया भी बहुत खूबसूरत है, सो सानू अपने अपने जीवन में आने वाले हर सुख दुख नू खिड़े मत्ते सहना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं डॉक्टर इंदू सुधीर, मैं कहना चाहवांगी कि हर सारे वातावरण नू हरियाली भरिया रखना चाहिए, ज़्यादा पेड़ नहीं कटने चाहिए सगों होर लगाने चाहिए है, ताकि सानू ज़्यादा तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। गो ग्रीन गो क्लीन। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर मनप्रीत कौर। समाज के सारे नागरिकों नू स्पेशली यूथ नू मैं ये कहना चाहनी हाँ, जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं हालातों नू वेख के, कि जज्बा रखो हर जंग जितने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलेगा। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल जी, मैं पूनमप्रीत ढिल्लों। समाज नू यही संदेश देना चाहनी हाँ कि सानू धियां ते पुत्रां दे विच कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक धियां ही हैं जो साडे विरसे साडी विरासत साडे सभ्याचार नू अगे लैके जांदियां हन, आने वाली पीढ़ियां तक पहुँचाउंदियां हन अते आने वाले बच्चों नू सही दिशा दिखाउंदियां हन। धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, मैं राजविंदर कौर। तो मेरा समाज नू यही संदेश है कि जिन्नियां भी चाहे समाज जिन्नियां मर्जी बुराइयां होन, वो सारियां बुराइयां तां ही खत्म हो सकदियां ने जे आप अपनी सोच बदलीए। सोच बदलाव आएगा तो समाज अपने आप ही बदलाव आएगा, जरूरी है सोच नू बदलो। कल जी, मैं जसप्रीत कौर। जिदा गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि पवन गुरु पाणी पिता माता तट महत, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट नेचर, लिव एंड लेट लिव। थैंक यू। आई एम डॉक्टर जोतप्रीत कौर। मेरा सारे नू इहो मैसेज है कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लोंग प्रोसैस, एंड असी सारे इत्थे
बीएड टीचर्स हाँ, मैनू लगता है कि सारियां नू एक एक जाने नू जरूर पढ़ाना चाहिए है ता कि समाज में जागरूकता आवे ते सारे पढ़ के समाज नू वधाउण ते ऊंचाइयां ते लैके जाण। इंडिया साडा देश भी तरक्की दे राहां ते चले ता कि साडा देश जो है वह बाकी विकसित देशों का मुकाबला कर सके। सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर सुमन सगू, मैं एक मैसेज देना चाहनी हूँ सारे समाज को कि असी बाकी चीज़ों वाल ध्यान दे रहे हैं बट जी सिंपल जी चीज़ जी असी अपने हाथ में रखते हैं पेज पेपर जड़ा है उन्होंने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। एक पासा यूज़ करते हैं दूसरा नहीं यूज़ कर रहे या उपर वाला चीज़ यूज़ कर रहे हैं नीचे छोड़ रहे हैं। सो सानू जड़ा है पेजों वाल ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक पेज में भी बनाने वास्ते बहुत सारे पेड़ कट्टे जाते हैं तो इस करके सानू पेजों का ध्यान रखना चाहिए, पेजिज जी है वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। सत श्री अकाल जी, मैं रमिंदर कौर, सबनों ये मैसेज देना चाहवागी कि गर्ल्स लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है ताकि आने वाले टाइम के फाइनैशली इंडिपेंडेंट हो सकन। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मैं ज्योत्सना शर्मा, मैं जिन्हें भी पेरेंट्स ने उन्होंने ये मैसेज देना चाहनी हाँ बच्चों टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के नाल नाल कल्चरल डेवलपमेंट के आसपैक्ट में भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि असं टेक्नोलॉजी के नाल तो वध रहे हैं बट कल्चर नाल नहीं। अज के टाइम में कल्चर जिहड़ा है इराडिकेट हुंदा जा रहा है तो पंजाबी कल्चर नू बचाना साडे हाथ ही है। थैंक यू। मैं डॉक्टर बलजीत यही संदेश देना चाहाँगी कि धियाँ तो तियाँ दोवें वेड़े की शान है, धियाँ नू इन्ना प्यार दिओ कि साढ़े वेड़े की शान बनी रहे ते तियां हमेशा लगदियां रहन। रविंदर कौर, मेरा सब नूं यही मैसेज है कि जो अजकल मेन सिचुएशन बनी हुई है उस सानू सब तो वध साडे इनवायरमेंट नूं सेफ रखना चाहिए है और इनवायरमेंट नूं सेफ रखने लिए सानू वध तो वध प्लांट्स जिहड़े उह लगाउणे चाहीदे आ। साडे सारियां दी रिसपोंसिबिलिटी है, ज़्यादा नहीं तो असीं कम से कम एक प्लांट जरूर लगाइए, अजकल मानसून का टाइम है तो जल्दी ग्रो करदे ने। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर अवदीप कौर है, मेरा सोसाइटी नूं यह संदेश है उन्हां यूथ वास्ते जिहड़े अपना मुल्क छड़ के बाहर जा रहे ने उन्हां नूं समाज दियाँ बहुत सारिया बुरियाइयां नज़र आउंदियां ने पर जिवें आपां कहिंदे आ कि चैरिटी बिगिनस एट होम, असी ही चेंज लैके आउणी है। सो इन्हां सोसाइटी दियाँ प्रॉब्लम्स तो भजण दी बजाए अगर असी इत्थे डट के सामना करिए एजुकेशन लईए और समाज दे विच जिहड़ियां बुराइयां ने हाथ जोड़ के इन्हां नूं अगर असी सामना करिए ते दूर पहुँचाइए ते असी आने वाला समा अपनिया अगलिया जनरेशन्स वास्ते बहुत अच्छा लिया सकते हैं। धन्यवाद। ये थी खालसा कॉलेज की एजुकेशन की तमाम अध्यापिकाएं, ये जो युवा पीढ़ी को पढ़ा रही हैं, इन्होंने संदेश दिया है कि लड़कियों को भी उतना ही शिक्षा देनी अनिवार्य है जितनी कि लड़कों को। लड़की और लड़की में आज भी फर्क किया जा रहा है जो कि बहुत गलत है, लड़कियों के बिना समाज की संरचना नहीं की जा सकती। इन्होंने और भी संदेश दिया है, हमें पर्यावरण को बचाना है, तनाव मुक्त रहना है और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है ताकि अच्छे देश और समाज का निर्माण किया जा सके। खालसा कॉलेज से तीज के मौके पर खासतौर पर D4 News के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।